रुक रहो। साथियों, जैसे आप सबको पता ही है कि हम ये छोटा सा जश्न अपने दो साथियों की विदाई में मना रहे हैं, सूबेदार शेर सिंह और हवलदार राम सिंह, जो आज हमसे जुदा हो रहे हैं, जिसका हमें दुख भी है और खुशी भी है। दुख इस बात का है कि ये 22 साल हमारे साथ रहकर आज हमसे जुदा हो रहे हैं, और खुशी इस बात की है कि 22 साल अपने परिवार से दूर रहकर हमारे साथी आज अपने परिवारजनों के बीच जा रहे हैं। इस खुशी के मौके पर कुछ मनोरंजन हो जाए तो अच्छा है। हवलदार राजकिशन हमारे बीच में है और वो आपके सामने एक रागनी पेश करें। गाते छम छम बरसे कोने खरी वोट में क्यवारी की दिखी या कोने तारे टूट रहे चांद सी ओजारी मेरे चांद सी ओजारी में भरे था पिस्तौल गोल पुतली सी काली में जगमग जगमग होई जनु रोशनी दिवाली मेरे रोशनी दिवाली में घी की रे घी की या कौन भूल गया डगरे अजारी की घी या कौन जेली ना गई चोट पड़ गया चक्कर खा के डैर देती चक्कर खा के डैर देती छाती ऊपर सांप का निकल गया सैर देती सुई पर गे नाच के मैं सर्दी लगी तैर देती सर्दी लगी तैर देती छिकी ने रे छिकी या कौन है जानू सेठानी रेवाड़ी की दिखी या कौन कौन खड़ी ओट में क्या की दिखी या कौन
मौत में चवारी की दिखी अबो मेरा ख्याल ताल ताल थी मुर्गाई की रे ताल थी मुर्गाई की मोट का पैगाम जरूर घड़ी थी जुगाई की माथे ऊपर लाए बैठी हल्की हल्की शाही की रे हल्की हल्की शाही की टिकी रे रे टिकी या कौन मिसी मारगी दवाई की टिकी या कौन इससे पहले कि हमारे साथी हमसे विदा हो मैं कैप्टन राठी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आकर दो शब्द हमारे इन साथियों के बारे में कहें। कैप्टन राठी। साथियों, लोग फौजी की दोस्ती की मिसाल देते हैं, मगर कल जब ये सूबेदार शेर सिंह और हवालदार राम सिंह हमसे जुदा हो जाएंगे तो ये फौजी लोग इनकी दोस्ती की मिसाल दिया करें। सर्विस के दौरान इनकी यारी कृष्ण सुदामा से कम नहीं रही है। आज हम ये चाहते हैं कि यहाँ से विदा होने से पहले ये कुछ ऐसा काम करके जाएं कि इनकी यारी अमर हो जाए। जनाब, मैं इन दोनों के बहुत करीब रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है कि राम सिंह के घर बड़ी संतान लड़की है और शेर सिंह के घर लड़का। फिर तो मेरा सुझाव है कि ये यार अपनी यारी को रिश्तेदारी में बदल दें ताकि आखिरी दम तक इन्हें अपनी यारी निभाने का आधार मिले। आज तो मैं अपनी लड़की का रिश्ता शेर सिंह के लड़के से तय करूं सो। मैं आप सब भाइयों के सामने ये रिश्ता खुशी से स्वीकार करता हूं। बात भरा अर्जुन का गढ़वाला बन के यार कसम
संकट दूर करा पीड़ पड़ी पर जोदा होने का टाइम आ गया भाई शेर सिंह। हाँ भाई राम सिंह, जोदा तो होना ही पड़ेगा, थोड़ी सी देर पहले या थोड़ी सी देर बाद में। जोदा तो हमारे तन होंगे भाई शेर सिंह, मन तो सदा एक करवांगे। मैं तो घर जाते उस दिन की बात देखूंगा जिस दिन हम दोनों संधि बनके गले मिलना है। घबराओ मत, शेर सिंह वो दिन भी तावड़ा आया होगा, सफेद दिन और छोरी जवान होते के लागे से। बाबी कित बढ़ रही सा। हाँ, कौन आया? मैं था प्रकाश, तो तई के ले आसू। के ले आया प्रकाश? के ले तेरे सारे रोगों का इलाज ले आसू। मधु देखे कौन आया से? पप्पू आ गया। बेटा ते गावरू हो गया भाई। हंडन भी जाया करे कि नहीं, हंडन जाया करे। पिताजी इतके फास्ट आई सो मैं। शाबाश बेटे शाबाश। लो दूध। सिट डाउन, बैठ जा। रिटायरमेंट के साथ साथ एक खुशखबरी और ले आया सू। वाह के भला। तेरे कति काम नहीं करना पड़ेगा, तेरी खातिर एक बहू ढूंढ ले आया सू। बहू? कौन भला? मेरे फौजी यार राम सिंह की बेटी। मेरे जिगरी यार, सूबेदार शेर सिंह की छोरी गल्या बैयारी होते इसी। मैं तो उस तरह अपनी छोरी के अपनी जान देने भी तैयार सू। वो तो ठीक से, पर इतनी ताल के थी? जल्दी थी मधु की माँ, मारे आऊं ते पहले हम सब साथी चाहे थे कि हम अपनी दोस्ती ना मर करके जाऊं। इसे मौके पर जल्दी और देर के मैंने रख के थी, पर हाँ सुंदर सह की थे। वो तो स्कूल जा रहे थे। बैठ जाओ। सवाल लिखो, लिखो। एक व्यापारी ने एक भैंस 1500 रुपए में खरीदी और 1800 रुपए में बेच दी, बताओ उसे कितने प्रतिशत हानि या लाभ हुआ?
ये कौन सा बीच में बोला सर है? मास्टर जी सुंदर कहे से कि मास्टर जी झूठ बोलने से 1500 में भैंस आवाए कौन ने? अच्छा बैठ जा, पहला सवाल काट लो फिर देखूंगा। खड़ा हो जा। काट लिया सवाल? कुछ ना आनी हुई। आनी हुई? वाह क्यों करे? होगी जी। न्यों तो बता क्यों कर हुई? फिर देना दिया होगा। के लात मारती होगी जी? वाह तलात ना भी मारती होगी। और मैं जरूर मारूंगा। बताऊं तुम्हें शिकायत को खुला कर रहे हैं। जा अपना काम कर। अच्छा एनजी भी पक्का है? भाई मैं तेरे दौरान हो रहा था कि मैं खास काम था के? अरे वो सुंदर की कहनी थी, स्कूल में पढ़ता था कांख ना, और उड़ बाद में सब ताक गए। समझा तो बहुत लिया भाई। उसने माड़ा दाब कर रखा कर। हाँ ये बोल रहे कोई तरीका बनाना पड़ेगा भाई। अरे ओ किथा तू? मैं उड़े। अरे बैठ तू। मैं इसने मीठा ते कौन लिया? उन्हें अच्छा घर वाले जा। शाबाश। हाँ कित था रहा तू? उड़ा वैश्पान गया था। वैश्पान गया था? अरे सुंदर मने तेरे ते के उम्मीद थी के तू बड़ा होके मेरा नाम रोशन करेगा, पर तू तू ते बेटा मेरे नाम ने डबोंता दिखे से डबोंता दिखे से। पहले तो अपने नाम की सोच से। यो गांव ते हमारे सुंदर के पाछे पड़ गया से। आजा बेटा दूध पी ले। स्लोथ डूब बगा के और फेर का छुट्टी से। यो के साथ छोड़ रखे गांव में, सेरने समासेर भी मिल जाया करे। बात भी होगी। देखिए मार मार के छोरा सुखा दिया। इ पाछे छोरे के हाथ ला दिया, कहते तेरा खागड़े गांव में रहेगा के गांव के और बालक चल रहे। और मार के डाल कहीं मैं तो डालिया, और तेरा कहीं ना होगी।
नहीं खोल दूंगा, बन जा रहे आ रही आराम से कि मैं करना ना धरना ना भूल भी गया पूछने। मैं तो बुत्ती जाया करती, इब ये हरकत छोड़ दे ना तो रोज यूं ही पिटेगा। मैं जा चुपचाप ऊपर जाके सो जा। बहुत मौज हो रही है राम राम। सुंदर किसा से? बिल्कुल ठीक से, पर शरारत बहुत। हाय माँ, कबीर में क्या रही हो? सूबेदार का छोरा लग रहा था डरे मरण, चाल उसने देखा कावे। तो ये ठेकरे ठाए कि जाओ सो आज काका तू भी मारी था। चलो तेरे बात सुबेदार, शर्म बहुत होनी, नहीं होगा। अरे यो क्यों है दंपत, क्या अगर फौजी बिगड़े मानसा ने ठीक कर दिया, पर तेरे तो वो रिंग था ना ठीक होया। देख क्या वो मां बेचारे मास्टर जी की दूध की बाल्टी भी मुदा दी। बालक तो सबने प्यारे हो चौधरी साहब, पर ईसा बालक की मैं ना जो गांव में नाक कटवा दे ना सुधरा था काट का दाप देगा कपूते थे ना पुता भला। के तो अपने ना समझा लिए सूबेदार, ना यहाँ बात ठीक नहीं होगी। जीन पर ही खोटूंगा। नहीं नहीं जुलम मत करो, वो बाहर सर नहीं नहीं हट जा मेरी अच्छा आगे से मनुष्य और राज की जरूरत नहीं सर। जया जा वो बोल रही हुई सर, मैं इसने काम में किसी तरह बच सकता हूँ, नहीं छोटा मेरी इतनी बच्ची मैं बिना दी फिर जा दोबारा मत आइए इस चौखट के ऊपर। आज तक पछे इस ग्राम में तू पड़ गया तो मेरी बंदूक की गोली थी छाती मार कर कट जाएगी, मत दिखाइए या मानूस सूरत मेरे ताई। आज मैं तुम्हें गोली तो मारूंगा। नहीं नहीं आप सुबेदार ना ना या तो कड़ी का नीचे ये कर रहा सुबेदार, तेरा एक कर बिगड़ा है। ओहो मैं बहुत बढ़िया, यूँ तो बतायो दिया किस खुशी में? मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आई हूँ। शाबाश बेटी, फिर तो मन ने भी तेरी एक नई ड्रेस लानी पड़ेगी। छोरा पहना आया बेरा ना रात ने कित पड़ा ना कोई कपड़ा लत्ता धोरे कितना मरे
भूख लागे की जब आप आ जाएगा धक्के खा के इतना जिद्दी सर कभी उल्टा ना हो मत आवन दे माँ बाप से समझ लिए मारा था एक होने एक का दाल फ्राई कर दिया एक फुल पेट नहीं सुबह खा लो जो उस्ताद की पसंद हो अपनी दोनों चीज डबल कर दे और सुन दाल देसी घी में तल गया कहीं डालडा ठोके आपके लिए स्पेशल घी तल गया तने भूख लगी है ना आ, अरे रोटी खा फिर बैठ कर पानी खत्म होगा जा रहा है पानी लेगा नलके दरेश है पानी में लिख रहेगा एक दो सूखा लेने देना अब बहुत कड़वी ले रहे हो भाई भाई ये ले देसी मेवा खा के देख आनंद आ जाएगा ये ले भाई देसी काजू काजू है काजू लो पानी भाई अरे इतनी देर किट मर गया था अरे पानी में आग लग रही है ना अरे क्या वो सारी आन मेरे औरतों ने झूठी बात मारे है कि तो पानी में भी आग लग जाएगा झूठी और अभी नहीं अच्छा साल का देख ले अरे तो साल तो चला रहा है मेरी बेच के पहले सच्चा है रे कभी बक्कर बन गया है तो बता दे जाके ना पर इच्छा करना है सिक्के गोली रखना ना मानी चाहिए और बड़ी मुच्छा ने अपनी भांडे क्या फरकाम है पाछे रह गया ना सिर में बतवा नहीं हर बतवा से यो तेरा पुंफा हरियाणे का कदीप फालतू जान करो ना चला दो बड़े ने ना तेरे दिया क्या का Yeah!
वाला छोड़ दे छोरी रे, हाथ काट के कर दूंगा। क्यों, ये तेरी भान लागे से? हाँ मेरी नहीं तेरी भी, इस गांव की सारी छोरिया मेरी बहन बेटी लागे से। मेरी इज्जत। अरे बावली क्यों ना होता, भगवान भी टाइम पे भेजे से, तो जा आराम से लगते तो जा। तो मैंने छोड़ के नहीं जा सकता, तू चला गया तो मैं क्या सारे जीव। नींद में बेटा बेटा क्या कह रहे थे? सुंदर या मेरी जिंदगी की इसी कसक से जो मैंने चैन से जी नहीं देती, मेरा भी एक तेरे जोड़ बेटा था, इतना है सुथरा, पर एक दिन स्कूल पे लौटते वक्त एक्सीडेंट में मारे गए, इसी सदमे में कुछ दिन पश है उसकी मां चल बसी, मैं और बड़ी दुनिया में एकला रह गया। उस्ताद जी भगवान आपने दूसरा बेटा दे दिया। सुंदर मैं बनूंगा आपका बेटा। सुंदर मेरा बेटा बेटी, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र, मरे मेरा बेटा। राम राम भाईयाने। राम राम सर। राम राम। बैठो। क्या ले सुबहदार साहब? बस सब दया से आपकी। चलो रहने देना, मैं चक्कर ला गया साहब। हाँ बस काम काज में फंस गए, तो छोरे का सुन के बस चले आए, तसल्ली नहीं हुई मन। बात यह से चौधरी साहब, आजकल के बाल का बर्दाश्त तो रही नहीं। माँ बाप खड़का भी दिया करे से, धमका भी दिया करे से, पर बस। हाँ बस घना बूंदा टाइम आ लिया। खैर कोई बात नहीं सुबहदार साहब, आप भी तलाश जारी रखो, मैं भी ख्याल रखूंगा। चल आप फुर्सत में बैठेंगे। चल राम राम। राम सब भगवान का पिछाण थे लिया तू। अरे कोई ते पहले ते भरोटा ठवा। भरोटा ठवा हूं। हाँ।
कौन है? मेरे तो हाथ टूट गई, तो नमस्कार भावे से। तेरे माथे माई भूटी से कुछ दिखता नहीं तना। सॉरी का काम चल गया, दर्द का किसी आदमी ने मार का सॉरी का देगी, छोड़ देगा कोई? क्या ना गलती होगी? तेरी तो गलती होगी, पर मेरी तो हड्डी तोड़ दी। मैम साहब जब जवानी घड़ाए जोश मारा से तो जाकर किसी जोटे की टक्कर मार शरीफ आदमी है क्यों हाथ पा तोड़े से? आप बदतमीजी पे उतर रहे हो। उल्टा चोर कोतवाल ने डांटा, एक तो गलती करा और ऊपर तो रोक देखा है। जो गलती थी वह मान ली, और के हाथी तोड़ेगा क्यों घटा था आपके बीच थोड़ा सा। चलो गुस्सा थूक भी देवर यार, इससे मानस के हाथ के आदमी मर भी जाना सीधा स्वर्ग में जाग रहा है। और मजनू की सत्रहवीं पीढ़ी को लाद, यो हाड़ तोड़ प्यार तन नहीं बना रहे। ऊपर लेवल तक किमें भी कह ले, इतना तो बिट्टू का एक्सपीरियंस है कि यहाँ चोट कुल्ले को नहीं काड़िए को लागे। खिलती जवानी जड़ो टटकी रचनी अमानी, मोर बोझ क्यों करे नदानी। भरोटा ले गया जटक में, भरोटा ले गया जटक में।
बात मान मेरी ना ते गोरी पछतावेगी तारे गिन गिनी एकली तू अपनी रात बितावेगी मौका से कर प्यार गई रुत जो बन की ना आवेगी ना जो बन की रुताव कोरे कागज पहल खवाले दिल कह दिया तेरे हवाले पड़का चे पाया मचाले भरो टले गया जा ट्रक में भरो टले गया जा ट्रक में Thank you.
इमरती रखो दाना मारे अग भी गेर दिया करे हे, 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 हे। तू आड़े क्यों कर भार मा थीर माँ उसने तो मैं लाया धंधे सर आइए आइए इमरती या थारी भैंस क्यों रिकस है मन्ने के बेरा क्यों रिकस है मैं बताऊं या थारे फायदे में रिकस है फिर मारे फायदे ने देख के तू क्यों चढ़ा है ता कोन्या कती मैं तो न्यू बाट देखूं सू तू कदरी कहगी अरे 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 मारी अरे लीवे वे रखे बांधे फिर मैं स्कूल जाना सा ना मेरे खून की जलकर राख हो जैसे कल दो घंटे बाद देख के चला गया तेरी आज पाचन यू नहीं करूंगी पर कल क्यों ना आई कल मेरी सारी साथों मेले में जाती मैं भी चली गई अच्छा के ले मेरे में दे ये देख कमो यो के करत ना और की करती तू तो सारी हंथौरी रहता नहीं इब जब भी तेरी याद आवेगी आठा के देख लूंगी और खड़ाई जी करे आते एक परदेसी पे इतना विश्वास कम हो परदेसी जो 24 घंटे दिल में रहता हो वो परदेसी क्यों कर हो गया हैं तू तो 4 दिन में बहुत बड्डी होगी मैं तो तना भोली सी जानू था हमारे देश की लुगाई पढ़ाई लिखाई में बेसिक 5-6 से पर प्यार मोहब्बत की सीख सारी दुनिया ने मारे तहली से कहनी और करनी में बहुत फर्क हो सकमो पर प्यार निभाना सबके बस की बात नहीं होती तू बखत तो आवण दे कमो अपने प्यार ने पावण ताही अपनी जान भी दे देगी सुंदर इब मैं जासू तड़के फिर इससे टेन तेरी पाठ देखूंगी पर मैं वादा नहीं करता पंछी और ड्राइवर का कोई ठिकाना नहीं होता तैड़ के कितने दोपहर कितने रात ने कितने पर मैं तेरी बात देखूंगी लल्ला की भतीजी इस प्यार मोहब्बत के सिवा और भी बड़े काम से इस दुनिया में को अक्षर पढ़ लिया कर ना तो इस गोड़ मुंह जोड़ जीरो लिखी पाओगी पर्चे में बस बस महात्मा जी भाषण बहुत हो गया
प्यार मोहब्बत बहुत हो लिया, जाकर अपनी पढ़ाई कर। नहीं, चार कितने घूमर चलेंगे। पहले हम पढ़ाई फिर घुमाई, जा।
पैरी कमाई। उस्ताद यो के घराती लक्ष्मी ने देख आदमी खुश होया कर, और आप सोचो सुन बेटे कि बेरा ना कौन से कर्म का फल था जो तू मने मिला। आज मेरा सगा बेटा भी होता तो इतनी मेहनत से न कमाता। यो तो मेरा फर्ज है उस्ताद, और जो फर्ज आपने निभाया से उसने तो मैं सारी उम्र नहीं भूल सकता। आप ना मिले होते तो सुंदर तक कद का माटी मिल लिया होता। Thank you.
तोड़ गई। आज यहाँ मुल्ला भी निगड़वा कर दिया। पर एक काम करिए, तू गांव में किसी आगे जिक्र मत करिए, ठीक से? क्यों होया? मेरी साइकिल की चाबी तो क्लास में ही रहेगी। निमला तू चल। अच्छा नहीं बे आई। समझ जाएगी। खाली कॉलेज, बंद कमरा, एक लड़की और एक लड़का, ऐसे वाला और के बदतमीजी हो कैसे? खबरदार चे मेरे हाथ लाया थे। तो डॉक्टर उसने काट कर फेंक दिया है ताकि दूसरा कोई अंग खराब ना हो। झूठी तसल्लियां दे, दुख थोड़ी हान बुलाया तो जा सके से, पर मिटाया तो नहीं जा सकता। आप के उसने भूल गए? तड़के जब राम सिंह अपनी यारी का फर्ज निभावन आएगा तो क्या करोगे? कितने लिया के देओगे उसका जवाई? ले वो वक्त आओगा जुआ भी देखी जाएगी। अंधेरा अंधेरा चलाए थे कि सूर्य लग रहे थे। चाल चाल कर सो, भगवान सबकी भली करेंगे। जिस एक पल की दूरी एक कल्प जिसी लाग्या करती, उस ते आज लगूं मैं राम पाटियो या धरती।
लटकाई सूली पै जा यारी बिन संसार अधूरा मेरा यार मेरा भगवान 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 ले दूध पियो फांसी आ गई चुप करे तू दादा नहीं होता सूट के दारू में सारा टेस्ट बिगाड़ के तरह क्या पा रहा है उसका तो मजा ही नहीं आ रहा है बस ये लिया करो जी हाँ लिया और गुड़ाओ बस गुरु जी और नहीं पिया जाएगा एक गिलास में छिड़के और गुड़ाओ नहीं गुरु जी मेरा भी तो एक गिलास में बिगड़ लिया और नहीं पीऊंगा कभी नहीं ना ए मेरे यार कैसे गबरू सा थारे जोड़ थे दो दो धड़ी दूध पिया करते इसने तो बिना बख्शू चाबी की सिठारी साहब आज ते मैं घर की मालिक हो रही हूँ माँ बाबू बाहर गए थे ये तो आए तो जान का के लेगी के? ये किताब बड़ी प्यारी लगे सर शिला जे एक विद्यार्थी ने किताब प्यार ना हो तो होली पढ़ाई हाँ यह बात अलग से किताब बाद प्यारी कोई और चीज हो सके यह बात है तो चल मेरे साथ अपना घर दिखा के लाऊंगी जब छोरी पसंद है तो घर देखने की जरूरत कोई ना चल लेने कोई भी तो कौन है और घर थोड़ा दिमाग खराब सके कोई पड़ोसी देखेगा क्या करेगा थोड़ी सी थ्यास राख जिस दिन आऊंगा उस दिन का जब जे के साथ आऊंगा दिखाई इतनी मार खा के तो गधा भी सुधर जाया करे तू नहीं सुधरा बुल्लू ने कसम खाई से इतना पागल होगा Thank you.
बस गुरुजी ग्लांदे लग रही है। हाँ, पर देखिए, कल जरूर फिर हम चला जाएंगे टेंशन कर ले। हाँ उधर। हाँ हाँ चुतारे। देखो आप तो इमर जेल आ रहे हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पर कहाँ खर्चना करा करो? कहाँ खर्चता ही होकर है गुरुजी? हाँ। मैं तो सस्ती चीज लाया हूँ, काकड़ी और तरबूज। गुरुजी हम तो हुए कमा कमा राजी हो रहे हैं। मारते तो फालतू आप आड़े कमा ले सो। पर कदे थोड़ा बहुत आराम भी कर लिया करो। किसानों जवान ने किससे आराम? चलो कई दिन हो गए, आज कच्चे बैठ के रोटी खाएंगे। चलो शीला, आज तक हम घड़ियों छुट्टी चल रहा है के थे गया? आज तेरी छुट्टी जो करनी से। मेरी छुट्टी? हाँ भूल गया, थारे का वाली टीम का मुकाबला हमारी टीम से। अच्छा तो यह बात है, फिर कौन किसकी छुट्टी करा है यो तो वक्त बताओगे मैम साहब। देख लेना। अच्छा तो यह बात है, कौन किसकी छुट्टी करा है यो तो वक्त बताओगे मैम साहब। देख लेना। Thank you.
कोगल लाली या दुनिया सिर पे खाली या दुनिया सिर पे खाली शर्म धर दूर बड़ा से हूर हटा आफत की बन के छाए धूप के पाउडर लाली या दुनिया सिर पे खाली माया इश्क दुनिया ने गाया रूप की झूठी माया
इश्क दुनिया ने गाया पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया ना कोई पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया ना कोई ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो झूठी माया इश्क दुनिया ने गाया अगर यो रूप ना होता इश्क क्यों पैदा प्यार सारे धर्मा ने खुदा का नूर बताया कहो जी छाप तिलकते वो मालिक जिसने पाया जवानी जिस दिन जावे रूप ढूंढा ना पावे प्यार सौ सौ जन्मा तक निभा के साथ दिखावे रूप की झूठी माया इश्क दुनिया ने गाया रूप की झूठी माया इश्क दुनिया ने गाया बेकार अलग एक दूसरे ते रह न सके हुस्न और प्यार घटा और बिजली जैसे और बिजली जैसे फूल और चितली जैसे फूल और चितली जैसे जिए हम साथ मरेंगे और सुना तबीयत की चीज है वीरू तू सुन गया मत मारा कर मैं तो ना पहले हूं था लड़की खतरनाक से इसका मतलब से मैं छोरी दौरे बेइज्जती करवा के चुप बैठ जाऊं इसी की खासियत है छोरी में हजार अंडे से कॉलेज में और कितना दाल फेंक ले नहीं मने सिला चाहिए से और उसके पैर दाते निमटन ताई थरा साथ जय साथ ना देना हो तू वहां बता दो ठीक से तेरी आए जद से तो हम तेरे साथ से पर एक बात से बिल्लू कॉलेज में मार पिटाई ठीक नहीं कि तब बाहर डाला लो वो गांव में साइकिल पर जाया करे बस उसके राह का बेरा पढ़ लो ये तब सब मेरे को छोड़ दो क्या हाल से क्या मैं गणा ठीक ना होता है हाल चलेंगे
राजेश मेरा पंड नकती जी नहीं करता तू तो तब तक तो नाम कटवा देना है बावला हो गया है कि सुंदर पढ़ेगा ना तो सारी उम्र खेता में पा पिटेगा भाई साहब मैं आपका शुक्र गुजार हूँ जो आपने मेरी इतनी मदद करी ओ छड़े यार बंदा बंदे दे काम ना आए वो कोई इंसान हैगा है तो सारा फर्ज मैं अपने दोस्त का नाम जान सकूं नाम साड़ा नाम है करतारा करतार सिंह अच्छा जी जानते हैं कभी साड़ी जरूरत पे तो सानू याद कर लें पर भाई साहब बिना ठिकाने तो होगा कड़े ओ हाँ तो साड़ी यूनियन का फोन नंबर नोट कर ले 4546 4546 करतारा पूछ लेना राजेश कितने कड़ी चोट नहीं मार गए हाँ हाँ शिला ये राज मन जान तमा जाते जाइए भाई साहब ना आते थे मेरी एड़ी रोहित जान खुजाए मुए
आने मधु रुक क्यों गई? मन्ने जानी मेरा भाई आया है। मन्ने कदे तेरे ताई भाई की कमी तो महसूस नहीं होंगी? शुक्र है भगवान का बतिया आदमी है। लो भाई बुढ़ा आदमी था भाई। तुम्हें कोई ऐतराज नहीं
बात बात एक तबियत की थी मधुर जी माँ सोच चिंता करनी छोड़ दे मधुर जी माँ तेरे और कोई बीमारी नहीं है छोड़ दे तेरी चिंता छूट की हो तो करे कौन मैं भी बीमार रहने वाली हूँ मेरी मान ले राम सिंह ने सच बता दो चुप कर बताऊँ ये मैं नहीं पाटता उसकी सामने पर कल जब उसने डेरा पाटेगा तो क्या कहेगा वो दगाबाज बेईमान नहीं नहीं मधु की माँ मेरा यार ईसा नहीं है ईसा नहीं है
वो तो मैं पाछा बताऊंगा, पहले मैं सारी चीज तो दे दूं। या देख या लिपस्टिक से लिपस्टिक रोग लगाया कर, लोग श्री देव भी कहने लग जाएंगे। श्री देव भी तेरी मोटी मोटी आंखें, मोटे मोटे होठ, आए श्री देव भी अरे बेटा या मेरे लगाते बड़े बड़े जानी श्री देवी। अच्छा कोई देख लेगा तो क्या कहूंगा, दुनिया की परवाह बुजदिल करया करे। हाँ जब फिर मिलन का वादा करे ते छोड़ दूं। मैं तो रोज खेत में आऊं। घबराने की कोई ऐसी बात नहीं है, शारीरिक बीमारी कोई नहीं है इनका, सिर्फ मानसिक परेशानी जरूर है। इन्हें आप खुश रखने की कोशिश करा करो, ठीक हो जाएगा बिल्कुल। राजेश बेटा तू डॉक्टर साहब ने छोड़ का। अच्छा बेटा शेर सिंह बाप बी की चिंता का कारण सुंदर से, पाछली बात ने भूल जा, सुंदर मारा खून से, बचपन की शरारत पे पाप नहीं होया करती। समझेर तू के समझे से सुंदर ने माल तो अपना दुश्मन जाने था, पर मैं के करूं बहुत बड़े समस्या में की तो ढूंढ ढूंढ से मैं ही मन ने ते सुंदर ते घनी चिंता राम सिंह की से तम उसना भरोसा मैं मत रखो। शेर सिंह भाभी ठीक कहे से, किसी ने धोखे में रखना ठीक नहीं, तू राम सिंह ने सारी बात बता दे। क्या हुआ
सही सही क्या होया मैं कुछ घंटे आने का हेड ली थी वो देख मालूम मालूम पूरे पहुंच गया और मैंने बचा लिया कौन बैठे हैं रंजाने एक एक ना खत्म कर दूंगा नहीं किसने मारा था आई खेत के बाद सब किन्हें लाओ यहाँ कर अपनी कमी तो ना देखते ये तेरा सारी बात का बेराइश है तो जिक्र करना जरूरी है वो इससे जब पढ़ा जा रहा है वो ईद तक घर नहीं आया तो आपके आवर है कुछ भी हो मैं अपना वचन नहीं तोड़ूंगा अरे आपकी दोस्ती भी छोरी जाओ पहाड़ में ईद तो भगवान ने टेक रख दी जब मुंह बकार फूट जाएगी जो समझ जाओगे छोड़ दो इस जद ने ना पछताओगे मैंने कह दिया ना शीला बहू बनेगी तो उस घर की बनेगी नहीं तो मेरे घर रहेगी हे भगवान कौन समझावे इसने तू उसकी खुद गर्जी ने दोस्ती समझे बैठा है शीला की बात खबरदार तो एक लफ्ज भी मेरे यार के खिलाफ दांत है अरे कमों की मां ओ कमों की मां आ गया के हाँ आ गया ना कि मैं बड़ी बात है हाँ कमों की मां भगवान ने मेरी सुनी दी सुथरा चोरा और कॉलेज में पाई इज्जत वाला घर था उसका और उनकी मांग भी कुछ नहीं से फिर तो देर ना करे गलत बात फैलन में वार ना होती हाँ वाह वाह मैं मुश्किल तय करने लिखा गई सो बाबू ने मेरा रिश्ता तय कर दिया कि मैं शहर जाके मर जाऊंगी पर कदे आते प्यार नहीं करूंगी सुंदर नहीं करूंगी नहीं कमो नहीं तू मरगी तो मैं क्या के सर जीऊंगा तू मने आड़े ते ले चल आड़े ते ले चल सुंदर आड़े ते ले चल हाँ कमो हाँ मैं तन अपने साथ ले चलूंगा तो ना मेरे तक कोई नहीं छीन सकता कमो कोई नहीं छीन सकता तुन करिए कल किसे भी तरिया इस वक्त घर ते लिख रही मैं आ रही तेरा इंतजार करूंगा कमो तेरी ताई वो ममता के सारे तार तोड़ के आ जाएगी सुंदर बच्चे तू नहीं आया तो मैं कितने जोगी नहीं रहूंगी सुंदर तेरी खातर दुनिया की हर दीवार लांग का जा कमो मेरा विश्वास रखिए राज ये लोग मारे प्यार के दुश्मन क्यों हो गए मुझे तो डर लगी जैसे यह दुनिया तो सदा तो प्रेमी है कि दुश्मन रहती है इसे शीला पर प्रेम करने वाले डरा नहीं करते हमने कोई अलग नहीं कर सकता मैं तेरे के अलग रह भी नहीं सकती राज तो मैंने ब्याह के अपने घर वाला चल बस शीला थोड़ा सा सब्र और रख एग्जाम खत्म होते हैं तने मैं सदा आता ही अपनी माँ के घर ले चल लूंगा माँ तू शहर जासे हाँ बेटी डॉक्टर ने देखा काऊंगी तने कुछ मंगाना से माँ उड़े शहर में कितने भाई दिख जाते उन्हें ले आइए बेटी कह दिए तने मधु बहुत याद करे से आउड़ी आजा फिर गाम हो से
माँ माँ मैं सुंदर सु माँ। हाँ तेरा बेटा सुंदर बेटा सुंदर हाँ माँ था रहे हो मेरा सा और जो एक बार मन थोड़े दिखा दे तू कितना बेटा तने बहुत तड़पाया बेटा तने बहुत तड़पाया देख देख यो मेरा बेटा सुंदर आ गया देख बेटा बाबू बेटा सुंदर तन हमारे बुढ़ापे का भी ख्याल नहीं आया बेटा और क्या बाबू तन बोल नहीं से कह दिए थे तू माँ बाप के कहेगा इतना बुरा मान गया पीटड़ की आदत थी भी नहीं गई बाबू तन्ने भी तो अपनी हरकत नहीं छोड़ी माँ बाबू दोनों रगड़ दिया होते तब चोट लग रही से घर चलो चोट ताज ठीक हुई से बेटा पर हाँ घर तो चालना है इसे चाल मधु की माँ साला सारे काम में लड्डू बटवा दे चल मधु माँ माँ तू इतनी तावड़ी मधु तू कह रही थी ना माँ शहर में भाई मिल जाता है ले आइए देख मैं ले आई सुंदर ने रोवा मत बेटी तन तक खुश होना चाहिए ना कितने दिन तेरा भाई घर आया से अरे प्रकाश देखे केस है ये ले पैसे और सारे गांव में लड्डू बटवा दे मधु की माँ बेचारा राम सिंह भी कद का इस खुशखबरी ने सुनने खातर तरस रहा से मैं जहाँ से हूँ और आज उसे बता कहा हूँ पर तावड़ा आ जाइए अच्छा पर राम सिंह से के आइए मेरे दांत आइए आज तक मैं तेरे तय बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ मेरे यार तेरा चेहरा देख के समझ गया था शेर सिंह भगवान ने हमारी दोस्ती की लाज रख ली हाँ भगवान ने तो लिहाज रखी है पर यारी की लिहाज तेरे सबर ने रखी है राम सिंह तेरे सबर ने रब बैठे ने शेर सिंह में ओका भर के लिया ओका फरसत में पीवांगे इस तक तू न्यू कर जितना तावड़ा हो जा प्यार सगाई कट्ठा है भिजवा दे फिर दूध दाते पी गया था बस ये कुछ नहीं पिया जाएगा इस टाइम को ऊपर जितना जल्दी हो जाए तू ही काम ने कर दे शहर देसी ने और फिर मिलेंगे पूरे थैंक यू Thank you.
बात खान में तेन घने दिन में मजा से आ गया। मजा तो आ गया, गरीब ताई तभी काम नहीं बनता है और मधु के भी हाथ पीड़े करने पड़ेंगे। बच्चू ने कहे शहर देखी भाभी ले आ। भाभी क्यों है सुंदर तेरी भाभी? राजेश मेरे उस्ताद ने ताज भाई ब्याह में जाना था और मैं जरूर बुलाया था, मैंने तीब बजाना पड़ेगा। कित जाएगा भाई, मैं तने कितने नहीं जान दूंगी। मधु यदि मेरे उस्ताद ने ब्याह में जाना से और मन ने गाड़ी लेके जाना से मैं ना पहुंचा दूंगी, क्या हम जाएंगे बावड़ी? ना रे भाई, इस कितने नहीं जान दूंगी। राजेश तू ये समझाना ही नहीं, मैं तड़के तैर के आ लूंगा। ये कोई बात ना, जान देख कदम इस बात से। ना भाई, एक दिन का गया तो 10 साल में उल्टा आया थे। शांति तो काम मेरे चल सो में हमेशा गलत काम हुआ। मैं उसने समझाते समझाते हार लिया धन से, पर वो छोड़ी मेरी नाक कटवाने ना चार हो रही है। समझाने के भी तो कई तरीके हों, एक कोशिश आज मना करके देख लेंगे कर दे। अच्छा भाई तू भी करके देख। सुंदर जिसकी बाट में तू बैठी से कम हो वो नहीं आवेगा। वो जरूर आवेगा काका, तू आड़े तो चले जा। मेरा बाबू मेरी खुशी का गला घोटना चाहे से मैं सुंदर के बिना नहीं रह सकती। तू भी मेरी जिंदगी न बर्बाद करके पाप का भागीदार मत पड़े। तेरे हाथ छोड़ू सु काका, मैंने इस नरक से निकल जान दे। मैं तेरे जज्बात न समझू से कम हूं, पर कई बार भगवान भी इंसान की परीक्षा लिया करे। जब तक कौसुम सुंदर इब नहीं आओगा। नहीं काका नहीं, वो जरूर आवेगा। कम्मू मैं इब बशहर तय आया सुन, सुंदर तेरे ते मिलन चालता पड़ा था, पर क्या हुआ काका? घनी खुशी भी इंसान ने दुख दे जाएगा। सुंदर तेरे ते मिलन की चाह में ट्रक ने बड़े जोर तक बजा रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया। नहीं, क्यों नहीं हो सकता? कितने मेरे सुंदर चोटते नहीं लगी उसके, पता नहीं काका कैसे मेरे सुंदर। वो इस दुनिया में नहीं रहा। सुंदर दुनिया में नहीं रहा तो मैं भी नहीं रहूंगी, मैं भी नहीं रहूंगी। मैं वो एक रकम हूं जो ईश्वर ने की प्रदेशी मेरे ताई पहले बता देते तो यह नौबत ना होती। मैं लड़की आले आगे हाथ पांव जोड़ लेता पर सुंदर की खुशी की चिता ना जान लेता। यह तुम्हारे तो गलती होगी,
परीप जो कि मैं हो गया वो तो हो गया गुरु जी, इब किसे तरह सुंदर ने समझाओ। खून बोएगा और मानस मरेंगे। शर्म नहीं आती? एक चिल्लू पर पानी के लिए तुम खून की नदियां बाढ़ के तैयार हो है? एक दूसरे के ऊपर हमला करने को तैयार हो? इसी में जमीन दारा बर्बाद हो गया सारा। तुम घर कुल के आदमी हो सब, ये फैसला घर में बैठ के नहीं हो सकता है? क्या चल चला कर चला। जय राम। नमस्ते बेटा, बैठो। राम राम ताऊ। बेटा राम राम। चौधरी साहब, मैं सुंदर का बाप हूँ और यह से सुंदर की बाण। सुंदर का बाप और बाण? हाँ गुरुजी, सुंदर ना आपने झूठ बोलिया था, वो घर से लड़के बाहर आया था। चौधरी साहब, हम सुंदर ने लेना आए सर। नहीं चौधरी साहब, नहीं चौधरी साहब, ऐसा जुल्म मत करो। सुंदर आपका बेटा जरूर होगा, पर मैंने 10 साल अपनी शादी का लाग रखा से, उस बिना मेरी जिंदगी अंधेरी हो जाएगी। चौधरी साहब, मैं आपके जज्बात ने समझो सुन, 4 दिन भी इंसान धोरे रह जा तो उसका ही मोह जाया करे, 10 साल तक बहुत बड़ी चीज है। पर मैं भी के करूँ, हमारे घर में भी भगवान का दिया हुआ एक एक दीपक से, इस बिना उस घर में भी अंधेरा से। मेरा भाई दे दो ताऊजी, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। मेरा भाई दे दो ताऊजी, मेरा भाई दे दो, मेरा भाई दे दो ताऊजी, मेरा भाई दे दो, मेरा भाई दे दो ताऊजी, मेरा भाई दे दो ताऊजी, मेरा भाई दे दो, मेरा भाई दे दो ताऊजी। हाँ बेटी हाँ, तेरा भाई तेरे दौरे, तेरे दौरे रहेगा बेटी। सुन, सुन, तो अपने घर जा बेटी। देख, तेरा बाबू जी और मां तेरी बाट में खड़े से। जा बेटे जा, इन्हें बहुत बार देखी से, आज वार मत करे। जा। माँ बाप हूँ, कुड़े बार करे कहीं का तोड़ा नहीं होता, फिर भी जिंदगी भर करे मेरी जरूरत पर, तब तेरे ताई मेरे घर के दरवाजे सदा खुले थे। शीला? हाँ आजा। ओहो, आज ते बड़े तावड़े हाथ चाले से। क्यों, आज क्यों हो गया? आहा, जड़ू क्या है कबेरा ही कोनिया? मैं सही भी कॉलेज ते आई सू, पता न के बात से? तेरा ब्याह सगाई की तैयारी हो रही से? हाँ हाँ, ताई बता रही थी, नाम पूछने की जरूरत मैंने समझी नहीं। हाँ गांव का नाम क्या तो बताओ। पता बता न। सीतापुर। सीतापुर? Thank you.
भैंस है। यो तो टेवा आ गया दिखे से। चल घराबा मन तो पढ़वा वाने दे फिर हफ्ते रहेंगे तू पढ़ते ली है। फिर तो राजेश ने बोल ले वो भीतर बैठा पढ़ने लग रहा है मन चश्मा काटना पड़ेगा। अरे तू पढ़ दे ना बहुत दिन में दियो मौका फैस है काट ले चश्मे उसमें ले पहले श्री गणेश आय नमः। शीला सपुत्री राम सिंह गोत्र सोलंकी का सुविवाह सुंदर सपुत्र शेर सिंह गोत्र मलिक निवासी सीतापुर से कार्तिक शुक्ला द्वितीय तदनुसार 12 दिसंबर को निश्चित हुआ। शीला मारे चाहूं ना चाहूं तो क्यों हो से होया तो वो एक रजो किस्मत ने मंजूर हो बदलना ने भी किस्मत ने भी बदल दिया करे राज हाथ पे हाथ धर के बैठे थे तो कुछ भी नहीं हो सकता। मैं कुछ भी कर तो मजबूर सू शीला। प्यार और दोस्ती में मजबूरी की कोई जगह नहीं होती राज। मजबूरी नहीं बलिदान समझ ले। बलिदान? हाँ दुनिया की कोई ऐसी प्रेम कहानी नहीं जिसमें प्रेमी अन कुर्बानी ना देनी पड़ी हो किसी ने अपने जान की और किसी ने अपने प्यार की। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। तू नहीं जानती शीला जिस आदमी से तेरा रिश्ता तय होया से उस आदमी ने तेरे ऊपर भी एहसान कर रखे से दो बारी तेरी इज्जत और जान बचा कर। ड्राइवर? हाँ उस आदमी तेरा रिश्ता तय होया से पर आज तू अपनी गर्द में उसके एहसान मत भूल। पर एहसान करने का मतलब ये तो नहीं होता कि फिर बदले मांग लेगी जिंदगी मांग लो। बात सिर्फ एहसान की नहीं वो मेरा भाई से मेरा जिगरी दोस्त से 10 साल बाद घर आया से उसके माँ बाप उसकी बहन उसकी शक्ल देखने तरसा करते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण उसके माँ बाप उसने फिर तो खोले। हे भगवान ये किस दिन मरेंगे से तेरे राज तो तू चाहत से मैं किसी दूसरे की बहू बढ़ के तेरे गांव में आऊं मैं घूंघट काढ़ के चलूं और तू मेरे आगे कड़कड़े। बात ना प्यार की कसौटी होती शीला हम पति पत्नी ना सही देवर भाभी बनकर साथ रह लगे जो कि कम से ये तो और भी बुरा था राज न सारी उम्र भूल पड़ेगी न याद का रहेगा नहीं यो इंसान मेरे से नहीं दिया जाएगा राज। मैं तेरे तो अपने दोस्त की जिंदगी की भीख मांगू से शीला क्या भीख मैंने दे दे मत लेना चाहे मेरी जिंदगी ले ले बस राजेश बस इतनी बड़ी मत बढ़ा दे कि अपने अपने भूल जा तेरे ताई तो मेरी जान भी आज से जुदाई चीज के से मैंने माफ कर दी शीला मैंने अपनी गर्दाई तेरी जिंदगी मांग ली मैंने माफ कर दी राजेश नहीं भगवान नहीं जो नहीं हो सकता मेरा हक तो तूने छीन लिया मेरे हाथ मेरे दोस्त का हक छिनवा कर मेरी आत्मा नहीं मारना चाहो से तू नहीं इतना बड़ा अन्याय मैं नहीं होने दूंगा। राजेश का हक राजेश में जरूर मिलेगा जरूर मिलेगा।
तो आज वो डर के भागना चाहते हैं, फिर जब से इंसान को इस धरती पे जिंदा रहने को कोई हक नहीं है। अंदर तू बात निकलना लग रहा है, अंदर का नाम सुन देखना छोड़ के चले गया था, अंदर तू अंदर देखना छोड़ के चला जा रहा है। अजय इन बता का टाइम नहीं से भाई, राजेश तुम्हारा वचन नहीं, राजेश कुछ नहीं होगा मेरे भाई, ताई तांग ने भी मेरी मेरी कमी महसूस नहीं और तोड़ देगा बुलाओ से राजे, बुलाओ से राजे। क्या छोटी बात कह रहे भाई, छोटे भाई का सब कुछ दे रहा है तुझे। भाई मैं भिखारी हो गया, मेरी इज्जत बचा ले, मैं तेरे द्वारा राज की नाम की जोड़ी पसार के भीख में हो जो मन राज दे दे भाई, मैंने राज दे दे। रो मत भाई, मेरे राज के हो जाए।
आधे कमा बापे राजू खाल भी तेरा था, आज भी तेरा है और तड़का भी तेरा ही रहा है।